ट्रैवल गाइड के तमाम मज़ेज़ नाज़रीन को एक और बार हमारी वीडियो में खुश आमदीद। मज़ेज़ दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क और आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क इंडिया के। आज मैं आपको इंडिया के मुतालिक बहुत सी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात भी फराहम करूँगा, जो आपके लिए तफरी के साथ साथ आपके इल्म में इजाफे का सबब भी बनेंगी। इंडिया, जिसका मुकम्मल और सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इंडिया का नाम इंडस रिवर की बिना पर रखा गया। इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 मरबा किलोमीटर है और इंडिया अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का सातवां बड़ा मुल्क है। इंडिया की सरहदें जुनूब में बहरे हिंद के साथ, जुनूब मगरब में बहरे अरब के साथ, जुनूब मशरक में खलीज बंगाल के साथ और मगरब में पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, जबकि शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, मशरक में बर्मा और बांग्लादेश से मिलती हैं। बहरे हिंद में इंडिया श्रीलंका और मालदीव के साथ साथ है, जबकि इंडिया का एक जजीरा जिसका नाम अंडमान है, उसकी समुद्री सरहदें थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मुंसलिक हैं। इंडिया की कुल आबादी 1,38,00,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है। दोस्तों, पूरी दुनिया में तकरीबन 8,000 जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इन 8,000 जुबानों में 1,600 जुबानें इंडिया में बोली जाती हैं। दुनिया में इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसमें 1,600 जुबानें बोली जाती हैं और इन 1,600 जुबानों में से 122 जुबानों को किसी न किसी तरह इलाकाई जुबानों की हैसियत हासिल है। इतनी सारी जुबानें होने के बावजूद भी इंडिया की कोई भी कौमी जुबान नहीं है। कहीं लोग ये सोचते हैं कि हिंदी इंडिया की कौमी जुबान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी इंडिया की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को बर्तानिया से आज़ादी हासिल की। इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है और सबसे बड़ा शहर मुंबई है। इंडिया की दूसरी बड़ी जुबान इंग्लिश है, जो यूएसए के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जुबान है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, यही वजह है कि इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा सिनेमाघर मौजूद हैं। इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, जो हिमालय में वाक़ है और ये ग्राउंड सतह समुंदर से 7,332 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इंडिया की कबड्डी टीम और क्रिकेट टीम हमेशा सुर्खियों में ही रहती है। दुनिया में होने वाले 5 आलमी मुकाबलों में 5ों मुकाबले इंडिया की कबड्डी टीम ने ही जीते हैं। इंडिया की क्रिकेट टीम ने भी बड़े बड़े मुकाबले अपने नाम किए हैं, जिनमें इंडियन क्रिकेट टीम ने 1983 और 2011 के वर्ल्ड कप अपने नाम किए। दुनिया का सबसे बड़ा डाक सिस्टम भी इंडिया के पास है। पूरे मुल्क में 1,15,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। दुनिया का वाहिद पानी पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी इंडिया में है, जो कश्मीर में डल झील के मुकाम पर कायम किया गया। इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, यानी कि इंडिया में काफ़ी मजाहिब के लोग बसते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा मज़हब हिंदू मज़हब है, जो कुल आबादी का तकरीबन 78% हिस्से पर मुश्तमिल है। इंडिया का दूसरा बड़ा मज़हब मुस्लिम मज़हब है, जो 15% लोगों पर मुश्तमिल है। इसके बाद सिख मज़हब और बाकी कई अकलीती मज़हब भी इसमें शामिल हैं। इंडिया की कुल 28 रियासतें हैं और सबसे बड़ी रियासत होने का दर्जा राजस्थान के पास है। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है। वैसे तो इंडिया में काफ़ी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टियां हैं। ये दोनों सियासी पार्टियां लंबे अरसे से भारत पर राज करती आ रही हैं। हालांकि मौजूदा वजीर आजम भी बीजेपी से हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। इंडिया की रेलवे सर्विस एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सर्विस है, जिसमें लगभग 16 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। क्योंकि सोने को इंडिया के लोगों की पहचान माना जाता है, दुनिया के 11% सोना सिर्फ इंडिया की औरतें ही पहनती हैं। इंडिया में हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मेले में तकरीबन 75 मिलियन लोगों ने शिरकत की। इंडिया एक एटमी मुल्क है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी बड़ी पावरफुल आर्मी है। इंडिया दिफाई बजट खर्च करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। इंडियन आर्मी अपनी तादाद की वजह से दुनिया में 3री बड़ी आर्मी है। इंडिया के पास एक एजाज़ ये भी है कि इंडिया में बसने वाली ये खातून
जिसका नाम शकुंतला देवी है, उन्हें इंसानी कंप्यूटर भी कहा जाता है। उन्हें एक टीवी शो में 13 हिंसों पर मुश्तमिल एक सवाल दिया गया जिसे मल्टीप्लाई करना था, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ 28 सेकंड में दे दिया। इसी वजह से उन्हें इंसानी कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन इंडिया में हैं। पूरे मुल्क की तकरीबन 40% आबादी सब्जी खोर है। बांद्रा सी लिंक में दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टील इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कितनी मशीनरी और लोगों ने यहाँ काम किया है। इससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर एक आदमी इसे तमीर करता तो 2.5 करोड़ साल लग सकते थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज इंडिया की सैर अच्छी लगी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।